नाउन की एक्सरसाइज। ये जो नाउन की एक्सरसाइज है इसमें न केवल अपन नाउन पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें भी रिवाइज हो, क्योंकि एग्जाम्पल्स में सब आते हैं। नाउन पढ़ेंगे तो उसमें एडजेक्टिव भी आएगा, उसमें वर्ब भी आएगी, तो उसको भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, इसमें से फाइंड आउट करो कि नाउन क्या है। अराइव, अराइवल और अराइव्ड। ठीक है, जो अराइव है ये तो क्या है, वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें अराइविंग आईएनजी ले रहा है या ईडी कुछ भी ले, अराइव्ड कुछ भी ले तो वो वर्ब हो जाती है, तो ये नाउन नहीं है। अराइवल और अराइव्ड, तो अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी या सेकेंड फॉर्म कभी भी नाउन तो हो नहीं सकती, एडजेक्टिव हो सकती है, तो ये भी नाउन नहीं है। तो नाउन क्या बचा, ये हो सकता है अराइवल, अराइवल यानी आगमन। और नाउन को कैसे पता करते हैं, तुम्हारा तुम्हारी लगा के, तुम्हारा अराइवल है, तुम्हारा आगमन। ठीक है, तो तुम्हारे से अपन नाउन फाइंड आउट करते हैं, तो तुम्हारा आगमन यानी तुम्हारा अराइवल, यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगी, अराइवल। ट्रेन का अराइवल है ना, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, ठीक है, तुम्हारा आगमन। अगला एग्जांपल, इफेक्ट, अफेक्ट और अफेक्टेड। अफेक्ट, ये जो अफेक्ट है ये तो वर्ब है। क्यों? क्योंकि अफेक्ट को अगर ईडी लगा देते अफेक्टेड, तो ईडी लग रहा है इसमें, तो ये तो क्या हो जाएगी, वर्ब। और अफेक्टेड, अफेक्टेड क्या, अफेक्टेड एरिया है, इसके पीछे कुछ नाउन लगाओ, अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया, तो कौन सा एरिया, अफेक्टेड, तो एरिया की पहचान बता रही है ना ये, तो जो एरिया यानी कि ये एरिया क्या है, नाउन, नाउन की पहचान बता रहा है अफेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, और बचा ये इफेक्ट, इफेक्ट यानी प्रभाव, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा इफेक्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नाउन। अगला देखते हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये और भी दोनों, और कैरेक्टराइज। कैरेक्टर, इसके आगे तुम्हारा लगाओ, तुम्हारा कैरेक्टर सही बन रहा है, यानी कि ये नाउन है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, क्वालिटीज वगैरह क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों नाउन है, और कैरेक्टराइज ये तो वर्ब हो जाएगी, कैरेक्टराइज्ड ये ईडी ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहेव, बिहेवियर और बिहेवियरल। बिहेव में ईडी लग रहा है, तो ये तो हो जाएगा वर्ब। बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा लग के सही बन रहा है, यानी कि नाउन को वैसे निकालते तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। और बिहेवियरल, बिहेवियरल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कैसे पता चला, स्टिकर मेरे तरह लगाओ इस पर, बिहेवियरल इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू कौन सा, बिहेवियरल इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की पहचान बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर, क्लैरिटी, क्लियरली। क्लियर तो क्या हो जाएगा, स्टिकर मेरे तरह से लगाओ, क्लियर रजिस्टर, हाँ तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम क्लियर हो, ये तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बात के लिए क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा लग के सही बन रहा है ना, तो नाउन को वैसे निकाल दे, तुम्हारी क्लैरिटी, अगर तुम्हारे, तुम, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी क्लैरिटी, तो सही बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। क्लियरली ये क्या है, ये तो न तो एडजेक्टिव है न नाउन है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब कैसे आती है, 99.99% जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उनमें अगर आप सुफिक्स लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एडजेक्टिव, जैसे नाउन से तो बनता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से बनता है एडवर्ब। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक। तो हिस्ट्री को नाउन निकाल रहे, नाउन कैसे पता करते हैं, तुम्हारा लगा के, तुम्हारी हिस्ट्री ये नाउन है, तुम्हारा हिस्टोरिकल क्या, जैसे ये तो नाउन तो नहीं, तुम्हारा हिस्टोरिकल कुछ आगे पूछ रहा है, यानी कि कुछ इसके लिए कुछ आगे नाउन चाहिए, यानी इसको ये नाउन मांग रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव है तो अपने थोड़ा सा और कन्फर्म हो जाए, तुम्हारा लगे मतलब तुम बुढ़ो, तुम बैठो, तुम स्टोरी को ऐसे करके देख ले, या फिर इसे नहीं बैठ रहा तो स्टिकर मेथड लगा ले, हिस्टोरिक प्लेस,
हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल भवन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और हिस्टोरिक ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। हिस्टोरिक विक्ट्री, हिस्टोरिक जीत, इंडिया ने भी हिस्टोरिक विक्ट्री जीती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबिलिटी। कंफर्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा कंफर्ट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा से बन के बन जाएगी नाउन। और कंफर्टेबल, अब तुम्हारा कंफर्टेबल क्या, आगे कुछ नाउन मांग रहा है, ये नाउन मांग रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जब कोई भी वर्ड आगे नाउन मांगता है तो एडजेक्टिव होता है। और कंफर्म कर लेते हैं, स्टिकर मेथड लगा ले, कंफर्टेबल बेड, कंफर्टेबल सीट, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। कंफर्टेबली, कंफर्टेबली क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि एडजेक्टिव से अगर उसमें सुफिक्स लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पे कंफर्टेबल ही केवल नाउन है। क्लिनिक और क्लिनिकल, क्लिनिक क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्लिनिक क्या बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, नाउन, और क्लिनिकल ये बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है अगला एग्जांपल, इंप्रेसिव, इंप्रेशन, इंप्रेसिवनेस और बी और सी, ये दोनों, इनमें से कौन सा नाउन है। इंप्रेसिव ये तो नहीं है, मैंने वो एक और ट्रिक बताई थी कि सुफिक्स याद कर लो, आई वी ही किस में आते हैं, एडजेक्टिव्स में आते हैं, तो खैर मेथड सही नहीं है। आप तो इसको तुम बोलो तुम बैठो इसे याद करो, तुम बोलो तुम बैठो तुम इंप्रेसिव हो, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टिकर मेथड से इंप्रेसिव बुक, इंप्रेसिव मूवी, ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव। बात करें इंप्रेशन, इंप्रेशन क्या होगा, तुम्हारा इंप्रेशन, ये हो जाएगा नाउन, है ना, तुम्हारा इंप्रेशन से सही बैठ गए। और तुम्हारा ये इंप्रेसिवनेस क्या हो जाएगा, ये क्या है इंप्रेसिवनेस, कोई एक इंप्रेसिवनेस किसी चीज की अवस्था बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, है ना। और जैसे मैंने नाउन पढ़ाया था पहली बार, जब मैंने बताया था कि वो जो बताया था मैंने फिजिकल नॉन फिजिकल में, तो नॉन फिजिकल में तीन तीन चार चीजें थी, जैसे क्वालिटी, स्टेट, है ना, अवस्था वगैरह सब बताया था ना। तो अवस्था है एक तरह से ये इंप्रेसिवनेस किसी चीज की, किसी पर्सन की, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और सी नाउन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किल, स्किलफुल, स्किलफुलनेस। स्किल तो हो जाएगी नाउन, क्यों, तुम्हारी स्किल, तो इस हिसाब से तो हो जाएगी नाउन। स्किलफुल, स्किलफुल आगे कुछ मांग रहा है, स्किलफुल स्टूडेंट, तो ये आगे नाउन मांग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और कंफर्म कर लो स्टिकर में, तुम बूढ़ो, तुम स्किलफुल हो, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और स्किलफुलनेस ये भी एक तरह से अवस्था है किसी चीज की, स्किलफुलनेस मतलब आपने कहीं इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यूअर है जिसने आपका इंटरव्यू लिया, वो आपकी स्किलफुलनेस से इंप्रेस हो गया, मतलब आपकी जो क्वालिटीज हैं अंदर की, वो अवस्था जो है उसने इंटरव्यूअर को मतलब इंप्रेस कर दिया, तो आपकी अंदर की क्वालिटीज, क्वालिटी किस में आती है, नाउन में आती है, क्योंकि मैंने बताया था क्वालिटीज है, स्टेट है, ये सब चीजें किस में आती है, नाउन में, नॉन फिजिकल चीज में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाउन हो जाएगा यहाँ पे, ये भी। आगे बढ़ते हैं। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, सेटिस्फाई क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आई एन जी रेडी में कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड ईडी भी ले रहा है और सेटिस्फाइंग आई एन जी भी ले रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड अब इसको ऐसे याद करो, सेटिस्फाइड बॉय, सेटिस्फाइड लड़का, सेटिस्फाइड कोई भी चीज, जैसे मतलब सेटिस्फाइड गर्ल, तो ये जो सेटिस्फाइड ये आगे पूछ रहा है कि कौन, नाउन मांग रहा है आगे, तो ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव। या फिर ऐसे याद कर लो, तुम गुड़ो, तुम बैठो, तुम सेटिस्फाइड हो, तो ये ऐसे भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ये। सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और सेटिस्फेक्ट्री ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट, स्मार्टनेस, स्मार्टली, तुम स्मार्ट हो, तो ये तो बन जाएगा एडजेक्टिव। स्मार्टनेस, तुम्हारी स्मार्टनेस, ये बन जाएगा नाउन। और स्मार्टली ये बन जाएगा एडवर्ब। कैसे बनता है, एडजेक्टिव से सुफिक्स लगा के एडवर्ब बना दिया ये, तो यहाँ पे केवल ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब हो जाएगा, तुम स्मार्ट हो, तुम्हारी स्मार्टनेस। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से आपको सबको।
प्रीफर, प्रीफर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड बाइक, प्रीफर्ड एग्जाम, प्रीफर्ड सब्जेक्ट, तो ये क्या बजाएंगे, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम प्रीफर्ड हो, या फिर ऐसे आप लोग प्रीफर्ड एग्जाम, प्रीफर्ड स्टिकर मेथड से प्रीफर्ड बुक, तो हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगी वर्ब और ये हो जाएगा नाउन। तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, हाँ तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, तुम्हारे बुक के तुम्हारे तुम्हारे तुम गुड हो, हाँ इससे याद हो जाएगा, ये एडजेक्टिव और ये नाउन हो जाएगा। परफेक्ट ये हो जाएगा वर्ब, क्योंकि ईडी ले रहा है परफेक्ट, परफेक्टिंग, परफेक्शन, तुम्हारा परफेक्शन, ये हो जाएगा नाउन। एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस क्या हो जाएगा एस ई और एस सी ई, और सी ई वाला जो है ये हो जाएगा नाउन और एस ई वाला हो जाएगा ये वर्ब। ध्यान रखो एस ई वाला हो जाएगा वर्ब और सी ई वाला हो जाएगा नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लोज, क्लोजनेस, क्लोजर, क्लोज, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम क्लोज हो, तो ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव, या फिर ऐसे आपको क्लोज फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लोजनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगी तुम्हारी क्लोजनेस, तुम्हारा बैंक का क्लोजर होता है ना, तुम्हारा क्लोजर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, ठीक है। ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी, ब्यूटीफाई और ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन तुम्हारा ब्यूटिफिकेशन, सुंदरीकरण, सुंदरीकरण, नगर का सुंदरीकरण, सुंदर करना है ना, तो सुंदरीकरण क्या हो जाएगा, तुम्हारा सुंदरीकरण, तुम्हारा ब्यूटिफिकेशन, ये हो जाएगा नाउन। ब्यूटी तुम्हारी ब्यूटी, ये भी हो जाएगा नाउन। और ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइड, ये ईडी और आईएनजी दोनों ले रहा है, तो हो जाएगा वर्ब। ब्यूटीफाई क्या हो जाएगा, वर्ब। और ब्यूटीफुल, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम ब्यूटीफुल हो, तो ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट, करेक्ट और करेक्शन। करेक्ट क्या है, आईएनजी ले रहा है और ईडी ले रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। और एक और करेक्ट लिख रखा है मैंने, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कैसे, करेक्ट आंसर, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम करेक्ट हो, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा वर्ब। दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम करेक्ट हो, है ना, करेक्ट आंसर, करेक्ट बुक, स्टिकर मेथड से हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा करेक्ट, जो कि वर्ब है, करेक्टिंग, करेक्टेड, आईएनजीडी ले रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। और करेक्शन, तुम्हारा करेक्शन, हो जाएगा नाउन, ठीक है। प्रिवेंट और प्रिवेंशन, प्रिवेंट क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि आईएनजी ले रहा है या फिर ईडी ले रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ ले रहा है, तो हो जाएगा वर्ब। और प्रिवेंशन, तुम्हारा प्रिवेंशन, ये हो जाएगा नाउन। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, सिमिलरली प्रोटेक्ट में ईडी लग रहा है, प्रोटेक्ट, तो ये हो जाएगा वर्ब। और प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम और प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाव, ठीक है। मलेरिया से, मलेरिया से क्या करेंगे, बचाव करेंगे, और मलेरिया की रोकथाम करेंगे, है ना। याद रखना सेंटेंस का मीन्स क्या जाता है, अगर मलेरिया की रोकथाम, मलेरिया की कुछ आ रहा है ऐसा सेंटेंस में, मलेरिया की रोकथाम, मलेरिया का, मलेरिया से प्रोटेक्शन, यानी बचाओ, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब वन वर्ड पढ़ लेते हैं आज के, क्या है वन वर्ड, बोहिमिया, यानी नवीनवादी, जो नए विचारों का हो वो बोहिमिया होता है, ठीक है। बगलर क्या होता है, चोर होता है। बिगोट क्या होता है, हठधर्मी, हठधर्मी यानी धर्म से रिलेटेड, जिसका, जिसकी मेंटेलिटी क्या है, नेरो माइंडेड हो, नेरो मेंटेलिटी हो, छोटी सोच हो, तो क्या हो जाएगा, हठधर्मी, ठीक है। और बिलिकोस क्या होता है, युद्ध प्रेमी, युद्ध प्रेमी यानी कि युद्ध करने वाला, युद्ध जिसको करना पसंद हो, वो हो जाएगा युद्ध प्रेमी, युद्ध प्रिय, ठीक है। यह एडमन फ्रेज, पहला है एट सी, एट सी समुद्र की तरफ, यानी कि कंफ्यूज और परेशान, एट सी का मतलब कंफ्यूज या परेशान, ठीक है। स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब है बिना जाने समझे व्यापक प्रभाव वाला सेंटेंस बोलना या वक्तव्य देना, यानी कि कोई भी इंसान है जिसने बिना जाने समझे कुछ भी बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दी, है ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसी लाइन बोल दी बिना सोचे समझे, तो हो जाएगा स्वीपिंग स्टेटमेंट। बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट, अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोल देता है, या कोई भी जैसे कहीं का भी सीएम है कुछ भी बोलता है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो जाएंगे स्वीपिंग स्टेटमेंट। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स यानी निश्चित, सर्टेन, निश्चित हो जाएगा ऑन द कार्ड। और पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक यानी डायरेक्ट, सीधे, बिना लाग लपेट के, अपन बोलते हैं डायरेक्ट बोल दे,
ब्लैंक पॉइंट, बिना बिना सोचे समझे बोल दे फटाफट, बिना लाग लपेट के डायरेक्ट, तो बिना पॉइंट ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के अपने नाउन की एक्सरसाइज। वो जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी एडजेक्टिव की। ठीक है, एक्चुअली जो अपन पढ़ते हैं उसमें सारा कुछ कवर होता है, जैसे अगर कल को अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें वापस नाउन भी कवर होगी, वर्ब भी कवर होगी, है ना। तो जो पिछले वीडियोज मैंने अपलोड करे, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कोई ठीक से दिख नहीं रहा वीडियो, तो आप उनके जो पिक्सल्स है ना वो बढ़ा के कर लिया करो, ओके, क्वालिटीज अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और टेक्निकल प्रॉब्लम थी मैंने जब अपलोड किया था, इस वजह से वो ठीक से दिख नहीं रहे थे, फिलहाल अभी वो प्रॉब्लम दूर कर दी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और जो भी पढ़ाई कर रहे हो आपके जो कॉन्टेक्ट्स में, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी बोले कि सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। ठीक है, और करंट अफेयर्स के वीडियो मैं डेली के डेली डाल रहा हूँ, आप उनको भी चेक कर लीजिए। और इंग्लिश का अपन चल रहा है अभी, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टेक्ट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम।